पीएलए द्वारा अगवा अरुणाचल के युवक मिरम तरुण के अपहरण के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मिरम का पता नहीं चल पाया है। इस सिलसिले में मिरम के परिवार की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से आपके चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम ने भारत चीन की सीमा से लगे मिरम के उस गाँव का दौरा किया। देखिए हमारे संवाददाता रिपुंजा दास की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के गेलिंग सब डिविजन के जिदो गांव का निवासी मिरम तरुण पिछले 7 दिनों से चीनी सेना के कब्जे में है। मिरम तरुण के परिवार की आवाज को देश तक पहुंचाने के लिए नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम कई नदियों पहाड़ों को पार करते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जिदो गांव पहुंची। यहां हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ने इस घटना के एकमात्र गवाह मिरम तरुण के दोस्त जॉनी से पूरे घटना को सुना। 17 वर्षीय मिरम तरुण पिछले 18 जनवरी को भारत चीन के सीमा से सटे बिसिंग इलाके में अपने दोस्त के साथ शिकार के लिए गया था, जहां से पीएलए ने मिरम का अपहरण कर लिया। मिरम का दोस्त जॉनी अंधेरे का फायदा उठाकर जैसे तैसे पीएलए के चंगुल से भागने में सफल रहा। जॉनी ने दावा किया है कि चीन की सेना पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसकर उसके दोस्त मिरम का अपहरण किया। हम दोनों शिकार पे जा रहा था सिंगला की तरफ, अंधेरा हो गया, अंधेरा का समय उन लोग आगे आके राउंड कर लिया तो मेरा दोस्त को पकड़ के ले गया, तो मैंने वहाँ से जैसे तैसे बस के आ गया। हमको भी काफ़ी देर खिदाया लेकिन नहीं पकड़ा। हमको इंडियन एरिया से पकड़ के ले गया। हम अपना एरिया में शिकार कर रहा था, उन लोग का बहुत आदमी था, नहीं गिन पाया। और वहाँ से मैंने भाग के सिंगला में आर्मी बैठा हुआ है उसको मैंने कवर किया। वहाँ मेरा दोस्त को पकड़ लिया, ऐसे ऐसे बोल के सब बता लिया। फिर दूसरा दिन तूतिंग आके मैंने उसका पिताजी का भी कवर किया और तूतिंग वाला आर्मी का भी मैंने कवर किया। मेरा दोस्त अभी तक नहीं है, इसलिए मैं दुखी है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरा दोस्त को जल्द से जल्द इधर वापस लाने से टीके, और हो सकने से इंडियन आर्मी भी भेजना है उसका अंदर पकड़ लाने देना है जल्दी। इधर 7 दिन से लापता अपने बेटे की चिंता में दिन काट रहे मिरम तरुण के पिता ओपांग ने चीन में घुस कर अपने बेटे को वापस लाने की धमकी दी है। मिरम तरुण के पिता एक किसान हैं और उन्हें एक भारतीय नागरिक होने का गर्व है। मिरम तरुण के पिता को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके बेटे को वापस लेकर आएगी। सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा लड़का को जल्दी जल्दी भेजे, नहीं तो हम लोग अभी हमारा फैमिली से भी एलओसी पार करके सीधा मांगने के लिए सोच रहा है, इसलिए हम पहले सरकार से गुजारिश करता हूँ। अगर उसमें ज़्यादा देरी होने से मेरा जितना फैमिली है, क्लांट है मेरा, वो सब बाउंड्री पार करके जाएंगे और उनका कैम्प में जाएंगे, उसको अप्रोच करेंगे, मेरा लड़का चाहिए। अभी हम लोग सरकार को थोड़ा सरकार का तरफ से करेगा बोल के बहुत दिन से बैठा है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है, 7 दिन हो गया और क्या हो गया उसको, उधर चाइना में खाना दे रहा है ना, क्या कर रहा है, मार दिया कोई, हम लोग का दिमाग में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा हूँ। मेरा लड़का को अपना जगह से उन लोग चाइना लोग इलीगली पकड़ के ले गया, हमें ले जाके कितना टॉर्चर किया होगा, कितना क्या किया होगा हमको मालूम नहीं है। अभी हम ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं सरकार भी उधर से ये से आके मतलब अपना आर्मी को भी बेच के लेके आना है। मैं भारत का प्रधानमंत्री से ये अपील करने चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये 26 जनवरी से पहले हमारा घर में लड़का आना चाहिए, मेरा मिरम आना चाहिए, ये मेरा पूरा अपील है। वहीं जिला परिषद के सदस्य का कहना है कि यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। 2017 में चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क बनाकर 2 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से
युवक को जल्द से जल्द छुड़ाने की अपील की है। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हमारा जो अभी जिदो विलेज का हमारा छोटा भाई जो मिरम तारोन को जो चाइना ने उसको क्रॉस करके ले गया है, तो उनका दोस्त का कहने का अनुसार से तो बहुत सारे लोग अपना टेरिटरी में घुस के उनको ले गया लड़का को। अभी जो मिरम तारोन जो है हमारा ही ओके टेरिटरी से पकड़ के चाइना ले गया है, इसीलिए उसको जो जल्द से जल्द उसके माँ बाप को सौंपा जाए, हमारे यहाँ मतलब टूटिंग में जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाया जाए, मैं यही अपील करना चाहूँगा। ये घटना अभी का नहीं है, मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है। पहले 2017 में भी सेम उसी जगह में शिवंगला में बिशिंग का शिवंगला बॉर्डर में चाइना ने वहाँ का PLA ने रोड बना के 2 किलोमीटर अंदर घुसा था उस समय में भी, तो अभी भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग। मिरम तारोन जब ये लड़का अपने एक दोस्त जोनी याइंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास का एक इलाका है बिशिंग इलाका, वहाँ ये लोग कुछ अपने त्योहार के लिए वहाँ गए थे शिकार करने के लिए, तभी वहाँ इनका सामना चाइनीज आर्मी के PLA के जवानों से हो गया और वहाँ से इनको अगवा कर दिलाया गया 18 तारीख को। इस बात को लेके हम उम्मीद जताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिरम की रिहाई हो, वो अपने परिवार के पास आए। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैं रिपुंजय दास, जीडो विलेज अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट भारत चीन सीमा से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।